कुडल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम 5 मजेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे। अभी पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। इन इमोजी को देख के आप लड़के का नाम बताइए। तो बताइए इस लड़के का नाम क्या होगा और आंसर कमेंट करें। ये है सन और ये है दीप, तो बन गया संदीप। ये इजी था। अभी इस इमोजी से लड़के का नाम बताइए और आंसर कमेंट करें। ये है जग और ये है डिश, तो बन गया जगदीश। क्या आपने इसका आंसर बताया? तो अभी इस लड़के का नाम बताइए और आंसर कमेंट करें। ये है नाग और ये ईश्वर, तो दोनों मिलके बनेगा नागेश्वर। क्या आपने तीनों इमोजी पहेली के आंसर दिए? तो अभी इस पहेली को सॉल्व कीजिए। राहुल के घर पार्टी हो रही थी और वहाँ काफी गेस्ट जमा हो गए। तभी राहुल को वहाँ एक लड़की दिखी जिसने एक मास्क भी लगा रखा था, और वो राहुल के पास आके उसके साथ डांस करने लग गई। दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी राहुल का फोन बजा और वो घर के बाहर फोन रिसीव करने चला गया। फोन पे बात करके जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा कि वो लड़की वहाँ पे नहीं थी। राहुल को वो लड़की काफी पसंद आ गई थी, तो वो उसे फेसबुक पे ढूंढने लगा। उसे 3 फेसबुक आईडी मिली जो उसे उस लड़की की तरह लग रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से वो मास्क वाली लड़की कौन सी थी। दोस्तों, क्या आप इन तीनों आईडी की फोटोज को देख के बता सकते हैं कि इनमें से वो मास्क वाली लड़की कौन सी थी? एक बार इन्हें अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट करिए। इनमें से वो 3rd वाली लड़की मास्क वाली लड़की है, क्योंकि उसके बाल और इस लड़की के बाल पूरे मैच कर रहे हैं और दोनों के गाल पर तिल भी है, तो ये वही मास्क वाली लड़की है जिसे राहुल ढूंढ रहा था। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम काटते हैं, पीसते हैं और बांटते भी हैं, मगर कभी खाते नहीं हैं? क्या आपको पता है इसका आंसर? वैसे आपने इसे कभी ना कभी यूज तो किया ही होगा। तो जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। वो है ताश की पत्ती। ताश की पत्तियों को हम काटते हैं, पीसते हैं और बांटते भी हैं, पर कभी खाते नहीं हैं, इन मैजिशियंस के अलावा। तो अभी अगली पहेली। अभी आप इमोजी से कुछ बिजनेस के नाम गैस करिए। जैसे इस इमोजी से बिजनेस बना हेयर ड्रेसर, तो अभी इस इमोजी से बिजनेस का नाम बताइए और अपना आंसर कमेंट करिए। इससे बना मैरिज एजेंट, तो अभी इस इमोजी से बिजनेस बताइए और आंसर कमेंट करें। इसका आंसर है रियल एस्टेट एजेंट। चलिए एक बार और ट्राई कीजिए और इस बिजनेस का नाम बताइए। ये होगा इवेंट मैनेजर। अभी अगली पहेली।
इन तीनों लड़कियों को ध्यान से देखिए, इनमें से कोई एक जलपरी है। क्या आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी लड़की जलपरी हो सकती है? एक बार इन्हें अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट करिए। इनमें से ये दूसरी वाली लड़की जलपरी है, क्योंकि अगर आप उसके पेट पे अच्छे से देखोगे तो वहाँ आपको एक जलपरी का टैटू दिखेगा। तो वो जलपरी है, इसलिए शायद उसने वहाँ वैसा टैटू बना रखा है। इसमें आपका क्या कहना है? और मैंने अपने दूसरे चैनल पे बहुत फनी एनिमेटेड वीडियो डाली है, जो आपको अब भी देखनी चाहिए। तो यहाँ क्लिक करिए और अभी के अभी वो वीडियो देखिए।